हरे कृष्णा एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडुवर्स। दिस साइड अगेन शुक्ला। ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज आवर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑफ थर्सडे, बोले तो गुरुवार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो एक न्यूज़ आई है इधर, जो बंगाल है हमारा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर इस समय पंचायत के इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है। तो उसके वो जो पोल इलेक्शंस हो रहे थे, ठीक है, मतलब इलेक्शंस हो रहे थे उसके आफ्टर पोलिंग, मतलब इलेक्शन होने के बाद 6 लोगों की कहीं ना कहीं डेथ हो गई, ठीक है, 6 लोगों की और डेथ हो गई इन द वॉयलेंस। रिलेटिव से 3 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की जान गई, ठीक है। सो दिस इज़ द केस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द ममता बनर्जी। ओके, यू कैन सी इट, दिस इज़ रिलेटेड टू द आवर गवर्नेंस सेक्शन, ओके, GS4। नाउ हियर, ऑन ट्यूजडे नाइट 3 persons including 2 supporters of the Indian Secular Front ISF were allegedly killed in police firing near a counting center in the Bhangra in the south 24 Pargas districts, ठीक है। ओके, अब इधर देखो, पोल रिजल्ट्स विल बी सब्जेक्ट टू आवर अल्टीमेट ऑर्डर्स हाई कोर्ट। जो भी पोल रिजल्ट्स आएंगे कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू होंगे किसके, हाई कोर्ट के ऑर्डर के, ठीक है। हाई कोर्ट ही बताएगा कि पोल रिजल्ट्स के क्या करना है, ठीक है, यानी जो पंचायत इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट्स की जो भी डिक्लेरेशन होगी वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट होगी, हाई कोर्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ओके, द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे सेड दैट द पंचायत इलेक्शन इन द वेस्ट बंगाल एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी सब्जेक्ट टू द अल्टीमेट ऑर्डर्स दैट इट मे पास इन कनेक्शन विद द पिटीशन फाइल्ड ऑन पोल रिलेटेड वॉयलेंस एंड इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। द डिवीजन बेंच ऑफ द चीफ जस्टिस, कौन है इधर चीफ जस्टिस हमारे, TS शिवंगम, ठीक है, एंड द जस्टिस हिरण्य भट्टाचार्य ऑल्सो डायरेक्टेड द स्टेट इलेक्शन कमीशन। वी ऑल नो स्टेट इलेक्शन कमीशन है क्या, ठीक है, आप लोग को सबको पता है, चलो इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करेंगे। टू इन्फॉर्म द विनिंग कैंडिडेट्स दैट देयर इलेक्शन इज सब्जेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर्स टू बी पास्ड बाय दिस कोर्ट, ठीक है। अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, कोई कैंडिडेट कह सकते हो इलेक्शन को जीत भी जाता है, तब भी वो कहीं ना कहीं जीता हुआ नहीं है, क्योंकि वो अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट है अंडर द सब्जेक्ट ऑफ द सुप्रीम हाई कोर्ट है। ओके, अभी हमने इधर क्या इंपॉर्टेंट टर्म आई, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो इसके बारे में हल्का देख लेते हैं 1 मिनट। ओके गाइस, तो हमने अभी किस चीज़ के बारे में बात की, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो इधर आ जाओ। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है हमारी वो क्या है, एक ऑटोनोमस एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया। वो क्या इंश्योर करती है, इसका क्या काम होता है, फॉर इंश्योरिंग दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन अ फ्री फेयर एंड अनबायस्ड वे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद प्रोविजंस एज पर आर्टिकल 324। ओके, तो आर्टिकल यहाँ पे कौन सा है हमारा, आर्टिकल है 324, वो सेफ गार्ड करता है द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन इन इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस इन द अर्बन लोकल बॉडीज सच एज म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत एंड अदर स्पेसिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन को बताती है कि तुमको इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्शन करवाने हैं तो वहाँ पे परफॉर्म करेगी इलेक्शन। वैसे जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो मेनली डील करती है ऑन द इलेक्शंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत एक्सेट्रा। ओके, इधर देखो, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरेटरी। ओके, नाउ इसकी हिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इन इंडिया फॉर रिस्पेक्टिव स्टेट वर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द 1950 जो हमारी ओके टू सुपरवाइज द स्टेट लेवल इलेक्शन। तो हमारी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, 1950 में, टू सुपरवाइज द स्टेट लेवल इलेक्शन। ओके, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बाय द गवर्नर। ओके, टू इंश्योर द ऑटोनॉमी ऑफ द पोजिशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, टू इंश्योर द ऑटोनॉमी, ठीक है, जो इसकी ऑटोनॉमी स्टेट इलेक्शन कमीशन की उसको इंश्योर सिक्योर करने के लिए जो पोजीशन है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स एंड द मैनर स्पेसिफाइड फॉर जज ऑफ द हाई कोर्ट। जैसे जज ऑफ द हाई कोर्ट का रिमूवल होता है उसी के टर्म्स पे हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका रिमूवल हो सकता है, वरना अदरवाइज ही कैन नॉट बी रिमूव। ओके, अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आ जाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। नाउ पहला है कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इन स्टेट, इलेक्शन फॉर द म्यूनसिपल पंचायत, मोड
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेड इन द इलेक्शन फॉर लोकल बॉडीज अपडेटिंग इलेक्टोरल रोल्स विद द न्यू एडिशन। ठीक है, जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपडेट करना है, अपग्रेड करना है बाय टेकिंग द न्यू एडिशंस। ओके, और जो फिफ्थ पॉइंट हमारा अपडेटिंग इलेक्टोरल रोल्स विद द रिमूवल्स इफ एनी। अब इसका कंपोजिशन कौन कौन इसको कंपोज करता है इलेक्शन कमीशन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन इलेक्टर ऑफिसर, ठीक है, एंड एज मैनी मेंबर्स एज स्टाफ स्पेसिफाइड एज आर रिक्वायर्ड बाय द एक्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है आर इंडिपेंडेंट पर्सन्स नॉट होल्डिंग पोजिशन और ऑफिस इन एनी सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ हियर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद 73rd एंड 74th डिक्लेरेशन। ओके, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन्स हैं वो फॉर्म हुई थी एज पर द आर्टिकल 243K ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिमिलर टू द सेटिंग अप ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया एज पर द आर्टिकल 324। ठीक है, जैसे हमारा आर्टिकल 324 सेटअप किया गया है फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी तरह जो आर्टिकल 243K है उसके अंडर स्टेट इलेक्शन कमीशन की कह सकते हो गठन हुआ था। ठीक है, अब देखो लिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, कुछ स्टेट इलेक्शन कमीशन की लिस्ट देख लो इधर, आंध्र प्रदेश के लिए ये रही, ठीक है, वेस्ट आसाम बिहार छत्तीसगढ़ दिल्ली ये वेस्ट बंगाल का भी इधर होगा। ठीक है, हियर इट इज़ द वेस्ट बंगाल। ओके, अल्टीमेटली जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने वेस्ट बंगाल में पंचायत के इलेक्शंस करवाए, लेकिन उस इलेक्शन के आफ्टर द इलेक्शन और इलेक्शन के बीच में भी बहुत सारे वायलेंस वहाँ पे बढ़ के, उसकी वजह से जो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट, उन्होंने ऑर्डर ऑफ द इलेक्शंस को कहीं ना कहीं कंसल्टेशन में रखा है। ठीक है, ओके, और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 324 के अंडर आती है हमारी ये। ठीक है, जो आर्टिकल 324 है वो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है द पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। देखो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना वो किन किन पार्ट पे कह सकते हो इलेक्शन परफॉर्म कराती है, पहला हो गया पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन कराती है, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का भी वही कराती है। ठीक है, इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी इन द सेंस दैट इट इज़ कॉमन फॉर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ हियर जो बॉडी है एडमिनिस्ट्रेटिव इलेक्शन ऑफ द लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द आर्टिकल 324 जैसे डिस्कस किया मैंने आप लोग से। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली ये इनेक्ट करती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। ठीक है, नाउ हियर द कमीशन हैज़ द पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्ट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर व्हेन द इनेक्टेड लॉज मेक इनसफिशिएंट प्रोविजंस टू डील विद अ गिवन सिचुएशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन। इट इज़ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्ट्रक्चर देख लो इसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इस्टेब्लिश हुई थी 1950 में इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ दो एडिशनल कमिश्नर भी होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम इलेक्ट किए गए थे ऑन द 16 अक्टूबर 1989। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ द 1989 जनरल इलेक्शन, बट दे हैड अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, नाउ हियर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989। ओके ओके ओके, इसको छोड़ो। नाउ हियर द इलेक्शन कमिश्नर्स आर असिस्टेड बाय द डेप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं हु आर जनरली एन IAS ऑफिसर। सो दिस इज द पर्क्स ऑफ द बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। ठीक है, यू आर गोइंग टू एबल और गिव योर वर्क इन सच एन ऑटोनोमस बॉडीज। ओके, नाउ हेयर दे आर फर्दर असिस्टेड बाय द डायरेक्टर जनरल्स प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एंड सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज। ठीक है, अब टेन्योर देख लो इनका, इनका जो टेन्योर होता है ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब तो नहीं है, लेकिन हाउ एवर अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन एक्ट ऑफ 1991 जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है,
और एन इलेक्शन कमिश्नर वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, हेयर इट इज़ फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स ओके, और अप टू द एज ऑफ 65 जो भी पहले हो जाए ठीक है। रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस में कैसे ऑफिस रिमूवल होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस इन अ मैनर सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी सेम सिमिलर मैनर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जा सकता है ठीक है। नाउ हियर विच रिक्वायर्स एक रिजोल्यूशन पास करना रहता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में विद अ 2/3 मेजोरिटी इन द बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा ठीक है। सो इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज का रिमूवल दोनों का प्रोसेस सेम ही है ठीक है। अगर मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी हो जाती है तो एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है पार्लियामेंट में विद अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज लोकसभा और एंड द राज्यसभा ओके। नाउ हियर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ नेवर बीन इम्पीच्ड इन इंडिया, तो दिस इज द वन थिंग नोट डाउन करो, जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके उसको रिमूव कराने के लिए एक रिजोल्यूशन पास करना रहता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स रहते हैं फिर जैसे कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स या फिर और भी बहुत सारे जो कमिश्नर्स रहते हैं उनको रिमूव कराने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काफ़ी हैं, अगर उनके अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन दे दे कि इस पर्टिकुलर पर्सन को हटाना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकते हैं ठीक है। और एक बात याद रखना जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका अभी आज तक कभी भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ है ठीक है इन इंडिया टिल डेट। नाउ हियर फंक्शन वंक्शन देख लिया आप लोगों ने, ये हल्का फुल्का डिटेल है कुछ ज़्यादा हो जाएगा ठीक है। सो ईवीएम वीवीएम यूज़ होती है हमारी वोटिंग मशीन में, मतलब वोटिंग के टाइम पे ठीक है, पोस्ट वोटिंग ये सब, तो दिस इज़ द वन थिंग आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ हमने क्या देख लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI जो कि कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी 1950 में, दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं ठीक है। सो दिस इज़ द वन थिंग ओके, तो ये होता है फ़ायदा। अब हमको इसमें ये नहीं पढ़ना 3 लोग मारेगा ये हुआ ऐसा नहीं, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टर्म आई उनके बारे में देख लिया, उनकी उस बॉडी क्या है उसके बारे में देख लिया, प्रेजेंट सिनेरियो देख लिया, इस तरह एनालाइज किया जाता है न्यूज़पेपर को ठीक है। लेट्स मूव फर्दर, ये देखो बारिश वारिश हो रही है, यमुना ब्रिज 45 ईयर्स हाई, नॉट 45 इट इज़ 60 ईयर्स हाई, इधर पता है यमुना का जो लेवल था वो हो गया है हमारा 208.31 मीटर्स का ठीक है। सो दिस इज़ द लेवल एट विद द यमुना रिवर हैज़ रोस्ट ओके। सो लेट्स मूव फर्दर ओके, नॉट रिलेवेंट ओके। 5 माइक्रो माइक्रो ब्रीवेरीज इन द सिटी 2 मोर सून अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ओके। राहुल गांधीज सर्च फॉर अ न्यू होम में एंड एट द शीला दीक्षित निजामुद्दीन रेसिडेंट ओके ठीक है ठीक है। देखो 6 लोग मारेगा उसके बारे में पोल रिजल्ट ऑफ द हाई कोर्ट, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लिया, हाई कोर्ट के पास इनफ पावर है यार, कोई भी इलेक्शन में कहीं भी दिक्कत आएगी तो उस पर कोर्ट ही तो आएगी ना, क्योंकि पटिशन फाइल किया गया था एक पर्टिकुलर ठीक है रिगार्डिंग द वॉयलेंस दिस इज। अब देखो यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं फ्रांस के विजिट पर जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं नया बेंच मार्क सेटअप करेगी, तो जब विजिट होगी देखा जाएगा इसको ठीक है। लेट्स मूव फर्दर ओके। नाउ हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए दोनों पे देखो उत्तर प्रदेश है ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश इनटू द उत्तम प्रदेश ओके। नाउ हियर जो आयुष्मान उत्तर प्रदेश इमर्जिंग एज एन हेल्थ केयर मॉडल, आयुष्मान उत्तर प्रदेश एक पर्टिकुलर स्कीम है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो, नॉट द सेंट्रल इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम ओके। स्टेट हैज़ 65 ऑपरेशनल मेडिकल कॉलेजेस 22 मोर टू कम अप सून ठीक है। सो 65 से भी ज़्यादा ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं यूपी में। अब देखो इधर अंडर द लीडरशिप ऑफ द PM मोदी इंडिया इज़ रिसीविंग अ न्यू आइडेंटिटी एंड रिस्पेक्ट, द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द जर्नी ऑफ द डेवलपमेंट एंड द हेरिटेज फ्रॉम काशी उत्तर प्रदेश इन 2014 एंड नाउ ही कीप्स एडिंग न्यू चैप्टर्स टू दिस ओके। ये कौन लिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ CM ऑफ द UP। अब ये क्या है आयुष्मान उत्तर प्रदेश की योजना, ओके अब इधर देखो 22 से भी ज़्यादा जो मेडिकल कॉलेज है वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेसिंग ऑन अ
वॉर फुटिंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड टू एम्स वर सेटअप इन द स्टेट वन इन गोरखपुर अनदर इन रायबरेली। दोनों जगह पे गोरखपुर रायबरेली दोनों जगह पे एम्स भी खुलेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी खुलेंगे, बहुत सारे क्या 22 खुलेंगे ठीक है। नाउ हियर द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द लखनऊ। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस मेडिकल यूनिवर्सिटीज ये कुछ देख सकते हो आप लोग PG-UG का इनकी जो सीट्स हमारी PG में 1700 सीट्स हैव बीन इंक्रीज ठीक है एट द PG। सो दिस इज़ गुड। इधर देखो कुछ डाटा देख लो, इंक्रीज इन द 398 MBBS सीट्स विच इज़ द UG कोर्स एंड 1747 PG सीट्स भी बढ़ी है। इंक्रीज 7000 सीट्स इन नर्सिंग एंड 2000 सीट्स इन द पैरामेडिकल। नाउ हियर PM आयुष मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ आत्मनिर्भरता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एफर्ट टू अचीव होलिस्टिक हेल्थ केयर विच मीन्स हेल्थ केयर दैट इज अफोर्डेबल एंड एसेसिबल टू ऑल। द एम इज़ टू स्ट्रेंथन द क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क फ्रॉम द विलेज टू ब्लॉक टू द डिस्ट्रिक्ट टू द रीजनल एंड द नेशनल लेवल। द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड फॉर द डायग्नोसिस एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द डिसीज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ठीक है। सो दिस इज द स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता मैं आपसे ओके। तो इधर देखो जो आयुष्मान भारत है एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है ठीक है, जो कि कवर करेगी 10 करोड़ से भी ज़्यादा गरीब लोगों को, वल्नरेबल फैमिलीज को ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशरीज प्रोवाइडिंग कवरेज अप टू 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन विल सब्स्यूम द ऑन गोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो गई या फिर सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, इन सबको भी सपोर्ट करेगी कहीं ना कहीं जो हमारी आयुष्मान भारत की स्कीम है। अब इधर देखो, इधर द आयुष्मान भारत नेश ठीक है क्या है सेलेंट फीचर क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन है विल हैव अ डिफाइंड बेनिफिट कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। बेनिफिट ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री एंड अ बेनिफिशियरी कवर्ड अंडर द स्कीम विल बी अलाउड टू टेक कैशलेस बेनिफिट फ्रॉम एनी पब्लिक प्राइवेट इंपैनल्ड हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री ठीक है। आयुष्मान भारत क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन विल बी एन इंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम विच इंटाइटल विद इंटाइटलमेंट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिप्राइवेशन क्राइटेरिया ऑफ द SECC डाटाबेस। द बेनिफिशियरी कैन अवेल बेनिफिट्स इन बोथ द पब्लिक एंड इंपैनल्ड प्राइवेट फैसिलिटीज ठीक है। पब्लिक हॉस्पिटल्स एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में भी कहीं ना इसकी फैसिलिटी जो है 5 लाख रुपीज़ की इसको लगा सकते हैं ठीक है। टू कंट्रोल कोस्ट द पेमेंट्स फॉर ट्रीटमेंट विल बी डन ऑन द पैकेज रेट। वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द आयुष्मान भारत नेशनल प्रोटेक्शन मिशन इज टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स ठीक है। फेडरलिज्म का आपने एग्जांपल बहुत अच्छा देखा कि नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश का ठीक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत इन द उत्तर प्रदेश, तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल है। नाउ हियर फॉर गिविंग पॉलिसी डायरेक्शन एंड फॉस्टरिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इट इज़ प्रपोज टू सेटअप आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन काउंसिल ठीक है। तो ABNHPMC आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन काउंसिल को सेटअप किया जाएगा फॉर पॉलिसी डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, इसको मेंटेन करने के लिए नई काउंसिल का गठन होगा। नाम क्या है, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन काउंसिल ठीक है, एट एपेक्स लेवल चेयर्ड बाय द यूनियन हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ठीक है। जो स्टेट्स हैं वुड नीड टू हैव स्टेट हेल्थ एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द स्कीम, जो स्टेट्स हैं उनके पास स्टेट हेल्थ एजेंसी होनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम ठीक है। इसका जो अगला फीचर है, टू इंश्योर द फंड्स रीच द SHA ऑन टाइम ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ द फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द आयुष्मान भारत नेशनल प्रोटेक्शन मिशन टू द स्टेट हेल्थ एजेंसीज मे बी डन थ्रू द इसक्रो अकाउंट डायरेक्टली ठीक है। उसमें कौन सा अकाउंट लाया जा रहा है फॉर द पेमेंट, इसक्रो ठीक है। इन पार्टनरशिप विद द नीति आयोग अ रोबस्ट मॉड्यूलर स्केलेबल इंटर ऑपरेबल IT प्लेटफॉर्म विल बी मेड ऑपरेशनल विच विल इंटेल अ पेपरलेस कैशलेस ट्रांजेक्शन ठीक है। तो दिस इज द गुड थिंग, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी देख सकते हो, मेजर इम्पैक्ट क्या क्या हो चुका है अभी तक का। इंक्रीज्ड बेनिफिट कवर टू नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन,
poorest and the vulnerable, covering almost all secondary and mandatory tertiary hospitalization, covering of 5 lakhs, ठीक है. नंबर ऑफ बेनिफिशरीज देख सकते हो 10.74 करोड़ है. स्टेट डिस्ट्रिक्ट कवर्ड, कौन कौन सी कवर हुई है हमारी, विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू कवर ऑल द टारगेटेड बेनिफिशरीज, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द आयुष्मान भारत. ओके ओके गाइस, सो लेट्स मूव फर्दर. इसको डिस्कस कर लिया हम लोगों ने. हेल्थ एटीएम फॉर इमीडिएट असिस्टेंस ऑफ द पेटीएम पेशेंट्स, ठीक है. और क्या क्या इसका बड़ी बात इसमें है. इंसेंटिव टू द मैन्युफैक्चर इन द मेडिकल डिपार्टमेंट, जीरो वे इंसेंटिव, स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव, ठीक है ठीक है ठीक है. व्हाट मेक्स द कैपिटल टू किंग जंक्शन, ओके लेट्स मूव फर्दर. अभी इधर देखो जो एम्स है हमारा, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ पे लाइव लीवर डोनेशन सर्जरी हुई है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट लाइव लीवर डोनेशन सर्जरी ट्यूजडे. ऑफिशियल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट हैव सेड द सर्जरी वाज परफॉर्म्ड ऑन अ लीवर क्राइसिस पेशेंट, सेड ऑफ द सेड ऑफिशियल सेडिंग. ओके ओके ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. ये सब आ गया, बाढ़ बाढ़ आ गई है, गाय को बचाया जा रहा है यहाँ पे, कुत्ते को सॉरी, ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. एक्सप्रेस नेटवर्क नॉट रिलेवेंट. एडिटोरियल में उतना कुछ खास नहीं है. ठीक है, तो पूरा वेदर के बारे में जो दूसरा है हमारा, वाई नॉर्मेटिव रिकमेंडेशंस और टू फाइनेंस कमीशन रिमेंस ऑन पेपर, ठीक है. ये हल्का लग रहा है मेरे को वैसे. जो फाइनेंस कमीशन है उसने सबमिट किया डिटेल रिपोर्ट. द 15th फाइनेंस कमीशन हैड अ 4-volume रिपोर्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. रेलेवेंट बहुत कमी है. द मॉनसून, अब देखो इधर द मून मिशन कंपेयर, ठीक है. टुमारो यानी 14 जुलाई को इंडिया विल मेक इट सेकेंड अटैम्प्ट टू लैंड ऑन द मून. द प्रीवियस मिशन चंद्रयान हैड फेल्ड इन इट्स वेरी लास्ट लेग. वॉट वेन द रॉन्ग विद द लास्ट टाइम, ठीक है. हैव बीन मेड इन द चंद्रयान 3. इधर देखो शूटिंग फॉर द मून 2019 से 2023. 2019 में चंद्रयान 2 में क्या था, ऑर्बिटर ऑर्बिटर ये सब था. ये डिफरेंस देख सकते हो आप लोग बस, ठीक है. डेज टू मून अराउंड द अर्थ 23 दिन, ये ठीक है. तो कल हमारा लॉन्च होगा, बहुत ही बड़ी बात है. ये कहाँ पे लॉन्च हो रहा है हमारा, कंपोनेंट्स देख सकते हो इधर क्या है हमारे चंद्रयान 2 में. ऑर्बिटर है, लैंडर है एंड द रोवर, ठीक है. एक्सपेरिमेंट्स ऑन बोर्ड 8 ऑर्बिटर, ये इधर इधर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर एंड रोवर है, ठीक है. एक्सपेरिमेंट ऑन बोर्ड, सेम एक्सपेरिमेंट्स ऑन लैंडर एंड द रोवर. नो एक्सपेरिमेंट. वे टू डेट. मिशन क्या है, मिशन लाइफ. प्रोपल्शन मॉड्यूल 3 to 6 months. लैंडर रोवर 1 lunar day. लैंडिंग साइट ये. डेज टू मून 42 days सूनर देन चंद्रयान 2. चंद्रयान 2 का था 48 days, ठीक है. लैंडर 4 thrust. इसरो LVM3 लॉन्चिंग व्हीकल Mark 3, वो कैरी करेगा चंद्रयान 3 को, ठीक है. बी मूव टू द लॉन्च पैड अहेड एट इट्स लॉन्च, ठीक है. ओके लेट्स मूव फर्दर. यूनिफॉर्म 28% टैक्स ऑन द ऑनलाइन गेमिंग. इम्प्लीफिकेशन ऑफ द GST काउंसिल मूव. ऑनलाइन गेमिंग पर 28% से भी ज़्यादा टैक्स लगने वाला है, ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. ओके, गवर्नमेंट लुकिंग एट एक्स्ट्रा अर्निंग्स ऑफ ओवर 17 करोड़ फ्रॉम 28% CGST ऑन ई गेमिंग, ठीक है. तो गवर्नमेंट को तो पैसा कमाना है, तो जो गेमिंग का सेक्टर है ई गेमिंग का, उधर 28% से भी ज़्यादा GST लगने वाली है, ताकि गवर्नमेंट और पैसा कमा सके, ठीक है. तो उनका डाटा ही है ये पूरा. जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है इस पेइंग टैक्स ऑफ ओनली 2%. अभी तक का बताओ 2% का टैक्स पे कर रही थी, ठीक है. परसेंट एस्टिमेटेड टर्नओवर एट प्रेजेंट एंड
bringing it in uniform goods and 18% tax on online gaming. The government could earn 10 times more than rupees 1700 crore collected in the financial 20. So ई गेमिंग से गवर्नमेंट को 2022-23 में 1700 करोड़ मिले, ठीक है, जब जब वो 2% टैक्स ले रही थी, अब सीधा 28% कर दिया है, तो उसका सोच लो कितना परसेंट बढ़ गया है, ठीक है ना। पोटेंशियल इसका कितना है, 50,000 से 85 करोड़ तक का इतने टैक्स लेने पे। सो गवर्नमेंट चालाक तो है ही, अपना पैसा निकालेगी वो, ठीक है। सो स्पोर्ट्स आ गया हमारा, ठीक है। सो आज के पेपर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने बात की आयुष्मान भारत, ठीक है, मिशन की, उत्तर प्रदेश में जो कि हो रहा है, मतलब सभी स्टेट्स में होगा, और क्या बात की हमने, चंद्रयान के बारे में बात की, और क्या बात की, एडिटोरियल देखे हल्के फुल्के, उतने सही नहीं थे, ठीक है, और यमुना देखो 200 का मार्क क्रॉस कर चुकी है, 60 साल, 45 से 60 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा है इसने, ठीक है, ओके। और हमने क्या बात की, और हमने बात की स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसका गठन हुआ है। कौन कौन होता है इलेक्शन कमीशन में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, टेन्योर 6 साल का होता है, इसको हटाया जा सकता है, सिमिलर एज द इम्पीचमेंट ऑफ द जज। अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच किया गया हो, लेकिन जो और भी मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट ही काफ़ी है, विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो आई थिंक आप लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो बताना, आई विल जस्ट मैनेज इट, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और हाँ ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, फॉर द न्यूज़पेपर एंड अदर UPSC रिलेटेड मटेरियल्स, टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप। सो थैंक यू फॉर बींग हेयर, ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, वील मीट ऑन टुमारो 14 जुलाई, जब हमारा चंद्रयान कहीं ना कहीं वो होगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हरे कृष्णा।